नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। रामगढ़ ताल के चूल्हा चौका रेस्टोरेंट में हुए मारपीट का सीसीटीवी फुटेज हुआ वायरल। रामगढ़ ताल पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर मुकदमा किया पंजीकृत। घटना में शामिल एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। अवैध निर्माण की शिकायत करने के लिए जीडीए के द्वारा बनाया जा रहा है प्रहरी ऐप। फोटो अपलोड करते ही दर्ज हो जाएगी शिकायत। जीडीए उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर ने कहा, ऐप के माध्यम से अवैध निर्माण पर लगेगा लगाम। ग्राम आपदा प्रबंधन एवं जलवायु संरक्षण योजना निर्माण के अंतर्गत जिला आपदा अधिकारी राजेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में एक दिवसीय प्रशिक्षण सकुशल हुआ संपन्न। आपदा से बचाव की दी गई सभी जानकारी। लखनऊ में आयोजित प्रदेश स्तरीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप में गोरखपुर के खिलाड़ियों ने हासिल किया दूसरा रैंक। गोरखपुर पहुंचने पर एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी, एसपी क्राइम इंदु प्रभा सिंह ने मेडल पहनाकर खिलाड़ियों का किया उत्साहवर्धन। नवंबर को होने वाले कार्तिक पूर्णिमा स्नान की पुलिस प्रशासन एवं नगर निगम की तैयारी हुई पूरी। एसपी साउथ ने कहा, पूर्णिमा स्नान सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस कर्मियों की नहान से एक दिन पहले ही लगा दी गई है ड्यूटी। यातायात माह 2022 के अंतर्गत छात्राओं द्वारा यातायात जागरूकता रैली एवं नुक्कड़ नाटक का किया गया आयोजन। एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने कहा, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से आम जनमानस को यात्रा करने के दौरान ट्रैफिक नियम का पालन करने का दिया गया संदेश। जनपद में डेंगू पर प्रभावी नियंत्रण लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा किए जा रहे हैं अनेकों प्रयास। सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने दी जानकारी। और श्री श्याम महोत्सव निशान शोभा यात्रा के 49 वर्ष पूरे होने पर 501 निशान के साथ श्री श्याम मंडल न्यास द्वारा निकाली गई श्री खाटू श्याम जी की शोभा यात्रा। कहा, खाटू धाम की जैसी प्रतीत हो रही है पूरी गोरखपुर नगरी। अब खबरें विस्तार से। रामगढ़ताल थाने के चूल्हा चौका रेस्टोरेंट में घुसकर मारपीट करने का सीसीटीवी वीडियो वायरल हुआ है, जिसके संबंध में एसपी क्राइम इंदु प्रभा सिंह ने बताया कि रामगढ़ताल थाना क्षेत्र के चूल्हा चौका रेस्टोरेंट पर 1 नवंबर की रात्रि कुछ लोगों द्वारा खाना खाने के बाद पैसा मांगने पर रेस्टोरेंट संचालक से मारपीट की गई। वहीं घटना की सूचना मिलने पर रामगढ़ताल पुलिस द्वारा दोनों पक्षों की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया। घटना की जाँच की जा रही है, साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। घटना का निष्पक्ष निस्तारण किया जाएगा। सोमवार को घटना में शामिल एक अभियुक्त को रामगढ़ताल पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान विनोद कुमार मिश्रा पुत्र संतोष मिश्रा निवासी ग्राम मानबेला चोला पत्थर कुइया थाना चिलवाताल जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिसको जेल भेज दिया गया। उन्होंने कहा, आगे भी वांछित अभियुक्तों की जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी क्राइम इंदु प्रभा सिंह ने कहा, ¡Gracias!
जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें मारपीट का, उसके संबंध में दोनों पक्षों की तरफ से तहरीर आई थी, दोनों पक्षों की तरफ से मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इसमें जांच चल रही है, जो भी साक्ष्य संकलित किए जाएंगे उनके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी और इसका निष्पक्ष निस्तारण किया जाएगा। जीडीए की तरफ से अवैध निर्माण की शिकायत करने के लिए प्रहरी ऐप बनाया जा रहा है, जिसके संबंध में जीडीए उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर ने बताया कि जीडीए के द्वारा नागरिकों की सुविधा के लिए प्रहरी ऐप बनाया जा रहा है। इस पर अगर कोई व्यक्ति अवैध निर्माण की फोटो अपलोड करेगा उसकी शिकायत तुरंत दर्ज कर ली जाएगी, क्योंकि बहुत सी शिकायत है जो कि अलग अलग माध्यम से प्राप्त होती है। ऐसे शिकायतें प्राप्त करने के लिए प्रहरी ऐप एक अच्छा माध्यम साबित होगा। इसके माध्यम से हर व्यक्ति प्रहरी बन सकता है, क्योंकि अवैध निर्माण से सभी को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके माध्यम से अवैध निर्माण पर पूरी तरह से रोक लगेगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जीडीए उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर ने कहा, देखिए जीडीए के द्वारा पूरे गोरखपुर विकास प्राधिकरण का जो डिजिटलाइजेशन है उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत जल्दी हम लोग यहाँ के रेजिडेंट्स के लिए माई जीडीए ऐप जो है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। उसका एक 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 सेक्शन है जिसको हमने प्रहरी नाम दिया है। बहुत सारी शिकायतें जो है अनऑथराइज्ड जो कंस्ट्रक्शंस हैं, जो अवैध निर्माण है, उनकी शिकायतें लगातार विभिन्न माध्यमों से प्राप्त होती रहती हैं, तो उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए, उसको डिजिटाइज करने के लिए प्रहरी जो है वो ऐप का एक सेक्शन डेवलप किया गया है, जिसमें हर व्यक्ति जो है वो प्रहरी बन सकता है। और मुझे लगता है कि जब किसी भी शहर में प्लान्ड डेवलपमेंट होता है तो उसी शहर को आने वाले समय में उसका बेनिफिट होता है, और जो स्लम्स के रूप में अनप्लान्ड डेवलपमेंट जो रूप ले लेते हैं उससे हम लोग बचते हैं। ग्राम आपदा प्रबंधन एवं जलवायु संरक्षण योजना निर्माण के अंतर्गत जिला आपदा अधिकारी राजेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का एनएक्सी भवन के सभागार में आयोजन किया गया, जिसके संबंध में जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया कि जनपद के मंडलीय राजस्व प्रशिक्षण विद्यालय में 75 नायब तहसीलदार जो कि विभिन्न जनपदों से हैं उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसको देखते हुए जिलाधिकारी के निर्देश पर ग्राम आपदा प्रबंधन के संबंध में जानकारी दी जा रही है कि आपदा में किस तरह से कार्य किया जाए, क्योंकि आपदा के समय बहुत से लोग सही निर्णय नहीं ले पाते हैं, इसलिए उस ग्राम की आपदा को ध्यान में रखते हुए सही योजना बनाई जाए। इसके अलावा जो छात्र आपदा प्रबंधन का कोर्स कर रहे हैं उनको भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने कहा गांव में बाढ़ की स्थिति, बारिश के समय किस तरह से बचाव किया जाए लोगों को बताया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा, योजना बना लीजिए हमें क्या करना है तो हम और बेहतर ढंग से उसको कर पाते हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के पास बहुत अच्छे अच्छे ग्रुप, तो इसी प्रकार आप मणिपुर की दुर्घटना देखिए या उत्तराखंड में जो दुर्घटनाएं हो जाती हैं, अभी मेरा सोच ऐसा है, मतलब डीडीओ होने के सीईओ होने के नाते होता क्या है, जैसे ही कोई दुर्घटना होती है उच्चाधिकारी लेकिन उन लोगों को आईआरएस की तकनीकी जानकारी नहीं होती है कि आईआरएस में करना क्या है। अच्छा, वहाँ गोरखपुर जनपद में बार बार इसका प्रशिक्षण लेकर के ये प्रयास किया है और इसका हमने इस्लामिया में उसका प्रयोग भी किया। हमारे उच्चाधिकारी पहुँचे, उनको हमने अनुरोध बना करके योजना बनाए और डायरेक्ट करें, ठीक, इसलिए कि हमने वो भूता नहीं है कि हम फर्स्ट हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, घटना हो जाती है घटना स्थल को मूव कर जाते हैं, सूचना नहीं देते हैं। परसों सदन में एक दीवार गिर गई, मतलब एक व्यक्ति दबा और उसकी डेथ हो गई। हमें ये सूचना शाम को मिली जब उसके बारे में हमारे पास ये रिपोर्ट आई कि साहब इसको कुछ अनुदान देना है, कुछ सहायता देना है, जबकि मैं सबके लिए कह रहा हूँ आपको घटना की जैसे ही जानकारी मिले, मोबाइल सबके पास है, सबसे पहले आप अपने उच्चाधिकारी को, उसके ऊपर वाले भी अधिकारी को फर्स्ट हैंड बता दें। ना फर्स्ट हैंड का मतलब आप मान लीजिए इंटरमीडिएट अधिकारी को, जो मध्यस्थ मान लीजिए आप नायब तहसीलदार या प्रेसिडेंट साहब को बताते हैं, आप ही पीडीएम साहब को बताएं, आप ही पीडीएम साहब को बताएं, इसलिए कि आप प्रश्नों का क्वेरीज का उत्तर दे सकेंगे। मान लीजिए आप हमें बता रहे हैं हमने कोई प्रति प्रश्न किया, आप दे सकेंगे। आपने एसडीएम साहब को बताया, एसडीएम साहब ने हमें बताया,
जब हम कोई प्रतिम प्रश्न करेंगे तहसील साहब से, आपसे पूछेंगे, फिर हमारे तक उत्तर आएगा। तो पहला और सबसे महत्वपूर्ण बात, कोई भी घटना दुर्घटना आपदा होती है, सबसे पहले उसकी सूचना दें। जैसे ही आपको मिले, यदि बात अपने नीचे जो आपके आरआई हैं, जो आपके लेखपाल हैं, आप उनको लौट करके बताइएगा कि जैसे ही कोई घटना की सूचना मिले, आप मुंह तो कर जाएं, लेकिन आप सूचना जरूर दे दें, गांव से सूचना को प्राप्त कर लें और उसको आगे बढ़ा दें। पहला पॉइंट यही है। अब इसके बाद यदि हमारी प्लानिंग अच्छी है पहले की, जिसको मिटिगेशन कहते हैं, कि हमने आपदा के बचाव के लिए और आपदा की पूर्व तैयारी के लिए जो अच्छा कार्य किया है, तैयारी करते हैं। जब हम फोर्स में जाना चाहते हैं तो मैं देखता हूँ लोग लगातार दौड़ लगाते हैं। आपदा अभी हमारी प्राथमिकताओं में नहीं है, परंतु विश्व ने इसको मतलब इंटरनेशनल लेवल पे इस पर बार बार जोर दिया जा रहा है कि इसके बचाव का अच्छा तरीका। अभी आज की सुबह न्यूज पेपर में था, एक हवाई जहाज करीब 40 लोगों को लेकर के वो झील के अंदर चला गया ना। अब जैसे ही आपको मालूम चलेगा तो पता है कि आपके पास यही आइडिया नहीं है कि हमें अब करना क्या है। तो जब भी कोई बड़ी दुर्घटना होगी तो भारत में दो स्पेशल फोर्सेस बनी हुई है, स्टेट लेवल पे एसडीआरएफ, सेंट्रल लेवल पे एनडीआरएफ। गोरखपुर का सौभाग्य है यहाँ पर एनडीआरएफ एसडीआरएफ पर्याप्त मात्रा में है कि उनको हर बड़ी से बड़ी आपदा को हैंडल करने का प्रशिक्षण दिया गया है। वो इसीलिए बने ही है, रिस्पॉन्स फोर्स है। जब आप उनको बता देंगे कि साहब ऐसा हो गया, उस तैयारी के साथ वो आगे बढ़ेंगे, उस तैयारी के साथ आगे बढ़ेंगे। जैसे कोई बस है, अभी क्या होता है कि पुल से गिरती और नदी में समा जाती है, अगर एग्जैक्ट बता दिया जाएगा तो उसी तैयारी से लोग आएंगे, गोताखोर होंगे, नावें होंगी, इस तरह के इक्विपमेंट लेकर के आएंगे कि मैक्सिमम लोगों को बचाया जा सके। तो आज का जो प्रशिक्षण है वो आपदा को, जिसको मिटिगेशन कहते हैं, आपदा को हम न्यून करें। जैसे एक और एग्जांपल देते हैं, गोरखपुर में बार बार बाढ़ आती है, उस बाढ़ में क्या होता है, नंबर एक गांव मैरूड हो जाते हैं, उन गांवों तक पहुंचने का जो संपर्क मार्ग है वो नहीं होता है, डूब जाता है। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, उन संपर्क मार्गों को ऊंचा कर देना चाहिए। इसको मिटिगेशन कहेंगे कि आपदा से कैसे, आपदा का न्यूनीकरण कैसे किया जा सकता है। तो जो मौजूदा वक्त है वो आपको बेवकूफ समझ सकता है या आपको ये समझ सकता है कि आपको हमेशा कल्पना में ही रहते हैं। सर, छात्रों को ट्रेनिंग दी गई है क्या? देखिए, आज विशेष रूप से जो हमारे वहाँ मंडलीय राजस्व प्रशिक्षण विद्यालय है, वहाँ पर 75 नायब तहसीलदार साहबान जो विभिन्न जनपदों से हैं, उनका प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है। इसी में एक नवाचार के रूप में जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार एक ग्राम आपदा प्रबंधन एवं जलवायु संरक्षण योजना निर्माण की कार्रवाई की जा रही है, जिससे कि जो आपदा का जो संबंध है वो विकास की योजनाओं के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसलिए सशक्त रूप में विकास योजनाएं तैयार हों और समुचित विकास हो ग्राम का, इसलिए उस ग्राम की आपदा को ध्यान में रखते हुए उस ग्राम की योजना बनाई जाए, इसके दृष्टिगत ये एक प्रशिक्षण कार्यक्रम एक नवाचार के रूप में आज किया जा रहा है। इसमें मतलब जो हमारे 75 नायब तहसीलदार साहबान हैं वो हैं, उनके अलावा गोरखपुर विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो रक्षा अध्ययन विभाग द्वारा आपदा प्रबंधन का कोर्स कराया जाता है, उसके भी छात्र छात्राएँ यहाँ पर इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। हमारे आपदा मित्र व सखी भी इसमें प्रतिभाग कर रही हैं, तो ये लोग भी इसमें आज एज अ प्रतिभागी हैं। और ये एक तरीके से संबंधित नायब
तहसीलदार साहबान को योजना निर्माण में असिस्ट करेंगे, जिससे कि इनका भी ज्ञानवर्धन हो सके और ये भी एक आपदा प्रबंधन की दिशा में एक कार्रवाई आगे कर सकें, इसको दृष्टिगत लेकर के ये चीज़ें आज यहाँ पर की जा रही हैं। क्या क्या बताया जा रहा है इसमें? बेसिकली जो ग्राम की जो संवेदनशीलता है उसको ध्यान में रखते हुए योजना का निर्माण है, प्लस जैसे गाँव में जो बाढ़ की सूचना बाढ़ आती है, जो हमारे उधर अग्निकांड की घटनाएँ घटित होती हैं, ओलावृष्टि होती है, बेमौसम वर्षा होती है, इन सबको देख करके क्या गाँव के लिए स्पेसिफिक रूप से कार्य करने की ज़रूरत है वह योजना के अंतर्गत डाला जाएगा, जिससे कि गाँव में जो भी ये आकस्मिक घटनाएं घटित हो रही हैं उससे जो नुकसान हो रहा है वो कम से कम हो और गाँव वाले इससे जागरूक हो सकें। प्रदेश स्तरीय लखनऊ में आयोजित ताइक्वांडो चैंपियनशिप में गोरखपुर के बच्चों ने दूसरा रैंक हासिल किया। वहीं गोरखपुर पहुंचे सभी चयनित खिलाड़ियों को SP नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी व SP क्राइम इंदु प्रभा सिंह ने मेडल पहनाकर उनका उत्साहवर्धन किया। इस चैंपियनशिप का आयोजन नेशनल ताइक्वांडो कमेटी ने किया था, जिसमें गोरखपुर के हुनरमंद बच्चों ने कामयाबी का झंडा गाड़ा है। प्रतियोगिता में गोरखपुर के बच्चों ने द्वितीय स्थान हासिल करके 22 गोल्ड मेडल जीत लिया। इस प्रतियोगिता में पूरे प्रदेश के प्रतिभागियों ने ताइक्वांडो में अपने दम दिखाया, जिस पर अधिकारियों ने उनको सम्मानित कर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला ताइक्वांडो एकेडमी के सचिव गुलशेर शेरगिल ने कहा, कुछ भी चल रहा है मैम, आप तो बहुत दूर नहीं कहाँ है आप? आप नाम बोल दे जाओ तो देखो बेटा। बेटा तेज छोटे बच्चे सुख ले आओ सारे बच्चे आ रहे वाले भी। हाँ देखो सब सुन लो हाँ मैं जनरल सेक्रेटरी ताइक्वांडो डिस्ट्रिक्ट ताइक्वांडो एसोसिएशन ऑफ गोरखपुर का एंड कोच हूँ और मेरा नाम गुलशेर सिंगल है। आज किस तरह का सम्मान बच्चों को हुआ है, कहाँ पे इनको? आज बच्चों को सम्मानित किया गया है, जो बच्चे मेडल लाए थे, ये एक मेडल सेरेमनी हुई है जिसने कि सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस मनोज अवस्थी सर जी ने बच्चों को सम्मानित किया और मैम ने सम्मानित किया है इंदु प्रभा मैम ने। बच्चों को भी बहुत उत्साह था कि यहाँ पर आएंगे हम लोग, मैम के थ्रू हम लोग को मेडल्स मिलेंगे, बच्चे भी फिर इसके लिए और ज़्यादा उत्तेजित है और आए हैं यहाँ पे मैम से आशीर्वाद लेने के लिए। सर सॉरी
कहाँ पे खेल हुआ था किसी? ये लखनऊ में हुई थी 18th स्टेट टाइकोंडो चैंपियनशिप, जूनियर सब जूनियर कैडेट एंड ये आपका मेल और फीमेल दोनों का था सर। कितने बच्चे हम लोग के साइड से? सर 50 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था इसमें, जिसमें कि आपके 24 गोल्ड थे, 8 सिल्वर थे एंड 9 ब्रॉन्ज थे सर। जनपद में छठ महापर्व के सफल आयोजन के बाद 8 नवंबर को होने वाले कार्तिक पूर्णिमा स्नान की तैयारी में पुलिस प्रशासन एवं नगर निगम जुट गया है। आपको बता दें कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन राप्ती नदी के तट पर काफी संख्या में श्रद्धालु अपने परिवार के सदस्यों के साथ गंगा स्नान करने आते हैं, जिसे लेकर घाटों पर श्रद्धालुओं की काफी भीड़ होती है। ऐसे में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मिट्टी का समतलीकरण, घाटों की सफाई एवं बैरिकेडिंग की गई है। यह स्नान राप्ती नदी के श्री राम पर की जाएगी, जिसके संबंध में एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने बताया कि कार्तिक पूर्णिमा स्नान सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा नहा से एक दिन पहले ड्यूटी लगा दी गई है, जो 8 नवंबर को दोपहर तक रहेंगे। इसके अलावा एसडीआरएफ एनडीआरएफ टीम की व्यवस्था की गई है। नदियों में जहां पर गहराई है वहां पर बैरिकेडिंग कराई गई है और स्थानीय गोताखोरों को भी संपर्क में रखा गया है, तथा पूरी कोशिश रहेगी कहीं पर भी किसी प्रकार की दुर्घटना न होने पाए। उन्होंने कहा कि राप्ती नदी रामघाट पर 5,000 के करीब श्रद्धालुओं की भीड़ होने की संभावना है। इसके साथ ही कैंपियरगंज में भी करीब 3,000 से 4,000 श्रद्धालुओं की भीड़ होने की संभावना है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने कहा, चमकी उधर से इधर इसमें आज दोपहर से ही ड्यूटियां लगा दी गई हैं, जो कल दोपहर तक रहेंगी। पीसी की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है, इसके अलावा एसडीआरएफ एनडीआरएफ की भी सहायता ली जा रही है। जहां गहराई है नदियों में वहां पे बैरिकेडिंग कराई गई है, प्रकाश की व्यवस्था की जा रही है और स्थानीय गोताखोरों संपर्क करके भी उनको रखा जा रहा है, लगाया जा रहा है और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि कहीं भी कोई दुर्घटना ना होने पाए। सर कितनी भीड़ होने की संभावना? ये जो मुख्य तौर पे गीडा में जो राप्ती नदी पे 5,000 के आसपास भीड़ की संभावना है और कैंपियरगंज में भी लगभग 3,000-4,000 के आसपास भीड़ की संभावना है। अब वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक पे जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। रामगढ़ ताल के चूल्हा चौका रेस्टोरेंट में हुए मारपीट का सीसीटीवी फुटेज हुआ वायरल। रामगढ़ ताल पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर मुकदमा किया पंजीकृत, घटना में शामिल एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। अवैध निर्माण की शिकायत करने के लिए जीडीए के द्वारा बनाया जा रहा है प्रहरी ऐप, फोटो अपलोड करते ही दर्ज हो जाएगी शिकायत। जीडीए उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर ने कहा, ऐप के माध्यम से अवैध निर्माण पर लगेगा लगाम।
ग्राम आपदा प्रबंधन एवं जलवायु संरक्षण योजना निर्माण के अंतर्गत जिला आपदा अधिकारी राजेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में एक दिवसीय प्रशिक्षण सह कौशल हुआ संपन्न। आपदा से बचाव की दी गई सभी जानकारी। लखनऊ में आयोजित प्रदेश स्तरीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप में गोरखपुर के खिलाड़ियों ने हासिल किया दूसरा रैंक। गोरखपुर पहुंचने पर एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी, एसपी क्राइम इंदु प्रभात सिंह ने मेडल पहनाकर खिलाड़ियों का किया उत्साहवर्धन। नवंबर को होने वाले कार्तिक पूर्णिमा स्नान की पुलिस प्रशासन एवं नगर निगम की तैयारी हुई पूरी। एसपी साउथ ने कहा, पूर्णिमा स्नान सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस कर्मियों के नहान से एक दिन पहले ही लगा दी गई है ड्यूटी। यातायात माह 2022 के अंतर्गत छात्राओं द्वारा यातायात जागरूकता रैली एवं नुक्कड़ नाटक का किया गया आयोजन। एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने कहा, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से आम जनमानस को यात्रा करने के दौरान ट्रैफिक नियम का पालन करने का दिया गया संदेश। जनपद में डेंगू पर प्रभावी नियंत्रण लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा किए जा रहे हैं अनेकों प्रयास। सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने दी जानकारी। और श्री श्याम महोत्सव निशान शोभा यात्रा के 49 वर्ष पूरे होने पर 501 निशान के साथ श्री श्याम मंडल न्यास द्वारा निकाली गई श्री खाटू श्याम जी की शोभा यात्रा। कहा, खाटू धाम की जैसी प्रतीत हो रही है पूरी गोरखपुर नगरी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। यातायात माह 2022 के अंतर्गत आर्य नगर स्थित सरस्वती विद्या मंदिर बालिका महाविद्यालय की छात्राओं द्वारा यातायात जागरूकता रैली एवं नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि यह रैली विद्यालय से निकलकर तरंग क्रॉसिंग, धर्मशाला, यातायात तिराहा होते हुए रेलवे स्टेशन पर समाप्त हुई। इसके दौरान विद्यालय की छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को यातायात के बारे में जागरूक किया, जिसके संबंध में एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने बताया कि सरस्वती विद्या मंदिर विद्यालय के छात्राओं द्वारा रैली निकाली गई और रेलवे स्टेशन पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। इस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से सभी यात्री एवं जनमानस को संदेश दिया गया कि यात्रा करने के दौरान ट्रैफिक नियम का पालन करें। ट्रैफिक नियम का पालन करने से किसी प्रकार का दुर्घटना नहीं होगा और ना ही शहर में जाम की समस्या बनेगी। उन्होंने कहा कि छात्राओं को मैपल ऐप के बारे में बताया गया कि इस ऐप के माध्यम से लोकल डायवर्जन, अवरोड, वीआईपी मूवमेंट की जानकारी मिलेगी। उन्होंने कहा कि सड़क पर वाहन चलाते समय हेलमेट एवं सीट बेल्ट का प्रयोग करें, जिससे कि अपने जनपद को स्मार्ट बना सकें। इस अवसर पर यातायात निरीक्षक मनोज कुमार राय, अजीत कुमार पांडे, धर्मेंद्र कुमार सिंह, रामवृक्ष यादव एवं मनोहर सहित विद्यालय के शिक्षक एवं छात्राएं मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने कहा, सड़क सुरक्षा, 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 सड़क सु
पहले अपने पड़ोस की, अपने मोहल्ले की, वहाँ हम सभी लोगों के लिए यातायात नियमों के प्रति जागरूक करेंगे। हमारे मोहल्ले का, हमारा कोई भी पड़ोसी, कोई भी घर का सदस्य बगैर हेलमेट के, बगैर लाइसेंस के घर से नहीं निकलना चाहिए। तुरंत छूट होती है, आप लोग वॉलंटियर बनिए, आप लोग आगे चल के देश का भविष्य शुरुआत कीजिए। और हर दिन की शुरुआत अपने घर से, अपने मोहल्ले से, परिवार से होती है। फिर हम लोग उठा लेंगे। इस शेड्यूल टू डिपार्ट प्लेटफॉर्म नंबर 8/14। गोरखपुर शहर को सुरक्षित बनाने के लिए यातायात जागरूकता अभियान के तहत आज रेलवे स्टेशन गोरखपुर पर आने वाले सभी यात्रियों या उपस्थित सभी जनसमुदाय के लिए यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए सरस्वती महिला महाविद्यालय की छात्राओं के द्वारा रैली निकाली गई। और उस रैली के साथ साथ रेलवे स्टेशन पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से यहाँ पर उपस्थित सभी यात्रियों के लिए, जनसमुदाय के लिए संदेश दिया गया कि यात्रा करने के दौरान ट्रैफिक रूल का अवश्य फॉलो करें। इससे जहां एक ओर आप दुर्घटना से सुरक्षित रहेंगे, वहीं हमको कहीं भी शहर में कोई जाम नहीं लगेगा। और इसके साथ ही साथ बच्चों के लिए ये भी बताया गया कि एक बहुत उपयोगी ऐप है मैपल्स, MAPPLS। नेविगेशन के लिए मैपल्स ऐप का यूज करें। मैपल्स ऐप के माध्यम से आपको लोकल डाइवर्जन, लोकल अवरोड, लोकल VIP मूवमेंट, लोकल रेस्ट्रिक्शंस की भी जानकारी मिल जाती है। इसी के साथ साथ आप अपना सजेशन, कोई जानकारी, कोई इन्फॉर्मेशन भी उस पर शेयर कर सकते हैं। तो गोरखपुर ट्रैफिक पुलिस सरस्वती महिला महाविद्यालय के छात्राओं और अध्यापकों का आभारी है कि उन्होंने जनसमुदाय को जागरूक करने में हम लोगों का सहयोग किया। थैंक यू। जय हिंद।
जनपद में डेंगू पर प्रभावी नियंत्रण लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा अनेकों प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके संबंध में सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया कि जनपद में डेंगू के 185 मरीज मिले हैं, जिसमें 8 मरीज जिला अस्पताल में भर्ती हैं। उन्होंने कहा कि इन दो दिनों में डेंगू मरीजों की संख्या बढ़ी हुई है। इसी के दृष्टिगत एयरफोर्स स्थित टीवी अस्पताल पर 25 बेड आरक्षित कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि 56 मरीजों में प्लेटलेट की व्यवस्था भी है। यहाँ पर 8 यूनिट प्लेटलेट देने के बाद भी बची हुई है। इस में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे एवं एमडी मेडिसिन डॉक्टर बी के सुमन डॉक्टर राजेश सिंह ने कहा, हर तरह के मरीज आ रहे हैं। खासकर अभी जो मौसम परिवर्तन हुआ है उसमें डेंगू के मरीज, वायरल फीवर के मरीज ज़्यादा आ रहे हैं, और वायरल फीवर के नज़र से हम लोग अगर इसका स्क्रूटनी करते हैं तो उसमें डेंगू फीवर, चिकनगुनिया, मलेरिया, इस तरह के मरीज हैं। तो मैक्सिमम केसेज जो है डिटेक्ट होकर वो डेंगू फीवर की तरफ जा रहे हैं। उनका हम लोग प्लेटलेट काउंट कराते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट, प्लेटलेट काउंट, NS1 को डेंगू कराते हैं जो इनिशियल फेज में है, जिनकी फीवर विद इन ए वीक है, तो उनकी वो केसेज भी काफ़ी मतलब बढ़ रहे हैं और केसेज आ रहे हैं। और बाकी रूटीन में जो ब्लड प्रेशर, शुगर, डायबिटीज और सांस फूलने के मरीज हैं, ये सब भी आ रहे हैं। उल्टी दस्त के भी मरीज आ रहे हैं। हाँ, प्लेटलेट की कमी जो पेशेंट आ रहे हैं उनका जनरली हम लोग सबका जांच कराते हैं। जो भी फीवर के पेशेंट आते हैं उनका जांच रूटीन टेस्ट कराते हैं, उसमें विडाल है, मलेरिया है, NS1 फॉर डेंगू है, प्लेटलेट काउंट। तो मैक्सिमम 80% पेशेंट का प्लेटलेट जो है नॉर्मल लेवल से नीचे पाया जाता है। और पेशेंट अगर कंप्लेन करते हैं काफ़ी थकावट, सुस्ती, कमजोरी है, तो उस तरह के मरीजों को हम लोग एडमिट कर देते हैं, ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखते हैं। क्योंकि प्लेटलेट का जो लाइफ है स्पेन है वो 8 से 10 दिन का ही होता है, तो उस कंडीशंस में जो रेस्ट बहुत ज़रूरी है, और रेस्ट इज द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर रिगार्डिंग कोई भी वायरल वेव, उसमें खास करके डेंगू फीवर का। डेंगू से बचने का सबसे पहले उपाय कि आप अब पूरे शरीर को कपड़े से ढक के रखें, और डेंगू के जो मच्छर हैं एडिस मॉस्क्यूटो वो डे टाइम में ज़्यादा बाइट करते हैं, इसलिए हमेशा कपड़े से शरीर को ढक के रखना है। और रात में सोने के वक्त मच्छरदानी का जरूर उपयोग करिए, मच्छरदानी लगा के सोइए, और आसपास घरों में या आसपास नालियों में काफ़ी पानी अगर रुका हुआ है या घर में कोई भी बर्तन है उसमें पानी रुकता है तो उसको पानी न रुकने दें, ताकि मच्छर पनपते हैं वहाँ, मच्छर लड़वा देते हैं, उससे मॉस्किटो संख्या बढ़ती है और दिक्कत, मच्छर काटने से परेशानियाँ बढ़ रही हैं। हाँ, डेंगू के मरीजों की संख्या इन दिनों बढ़ी है, और जिसका मुख्य कारण रहे हैं आसपास
जल जमा जिसमें मच्छर पनपते हैं और फिर उनके काटने से डेंगू फैलता है। डेंगू एक वायरल बुखार है, समानांतर जैसे अन्य सर्दी खांसी जुकाम बुखार होता है उसी तरह से होता है, लेकिन इसमें कुछ मरीज जिनकी प्रतिरोधक क्षमता कम रहती है वह गंभीरता की तरफ बढ़ जाते हैं, उन्हें सर दर्द, उल्टी, चक्कर, बेचैनी ये सब शुरू हो जाता है, तो उन्हें भर्ती करके इलाज करना पड़ता है। तो आजकल जो भी मरीज हमारे यहाँ बुखार, सरदर्द या कमजोरी के आ रहे हैं उनका हम लोग नियमित जांच कराते हैं और उसमें से जो पॉजिटिव हैं जिनकी स्थिति सामान्य रहती है उन्हें अस्पताल से उपलब्ध दवाएं दे करके घर पे आराम करने और अपने आप को रख रखाव की तरीका बताते हुए उन्हें छुट्टी कर देते हैं। लेकिन जिनकी स्थिति गंभीर होती है, जिन्हें का ब्लड प्रेशर कम रहता है, चक्कर आता है, उल्टी आती है, बुखार बहुत तेज होता है, उन्हें एडमिट करके 2-3 दिन हम लोग इलाज करते हैं और जैसे जैसे उनकी स्थिति सामान्य होती है हम लोग उनको छुट्टी कर देते हैं और घर पे उन्हें 1 हफ्ते आराम करने के लिए और मच्छरदानी के अंदर ही रहने का सलाह देते हैं। लोगों से यही अपील है कि जब भी कभी भी आपको बहुत तेज सर में दर्द हो, बुखार हो, आँख पलकने में दर्द हो, बहुत तेज कमर में दर्द हो, आपको चलने फिरने में दिक्कत आने लगे, आप तुरंत अस्पताल में आवें, अपना जांच करावें और यदि कोई इस तरह की दिक्कत आती है, पॉजिटिव आता है डेंगू, घबराने की कोई बात नहीं, हमारे यहाँ डेंगू वार्ड चल रहा है, वहाँ भर्ती करके इलाज करा करके मरीज छुट्टी होकर के जा रहे हैं, कोई घबराने की बात नहीं है, अस्पताल में सारे संसाधन उपलब्ध हैं। देखिए डेंगू में आज की तारीख में हमारे पास कुल 185 केसेज हैं और कल हमारे यहाँ कोई पॉजिटिव केस नहीं निकला है। परसों जो है हमारे यहाँ करीब 300 सैंपल टेस्ट किए गए थे जिसमें से केवल 4 केसेस निकले थे। वर्तमान समय में 8 मरीज हमारे जिला चिकित्सालय में भर्ती हैं। कुल मिलाकर के यह है कि विगत 2 दिनों में मरीजों की संख्या कम हुई, लेकिन जैसा कि बाहर लोगों ने पैनिक बना रखा है तो उसी के दृष्टिगत रखते हुए जो है हम लोगों ने टीबी अस्पताल जो हमारा है जिसे चारूचंद टीबी अस्पताल, वहाँ पर भी हमने 25 बेड आरक्षित कर दिए हैं और प्लेटलेट की व्यवस्था भी जनपद में सफिशियंट है। हमारे यहाँ भी अभी भी 8 यूनिट प्लेटलेट देने के बाद बची हुई है, बाकी सब रखा हुआ है। श्री श्याम मंडल न्यास द्वारा आयोजित 49वें वर्ष के पूरे होने पर श्री श्याम महोत्सव निशान शोभायात्रा 501 निशान के साथ गीता प्रेस स्थित कालीबाड़ी मंदिर से निकाली गई। इस शोभायात्रा में लगभग 1400 से अधिक भक्त शामिल रहे। यह यात्रा कालीबाड़ी मंदिर से निकलकर गीता प्रेस, साहबगंज, बख्शीपुर, रेती चौक, घंटाघर, नॉर्मल तिराहा होते हुए त्रिदेव धाम भूमि स्थल पर समाप्त हुई, जिसके संबंध में कार्यक्रम संयोजक संतोष अग्रवाल ने बताया कि श्री श्याम मंडल न्यास द्वारा 49वें वर्ष होने पर श्री खाटू श्याम जी की शोभा यात्रा निकाली गई है। उन्होंने कहा कि सभी श्याम भक्त एक तरह का साफा पहने हुए पूरा गोरखपुर नगरी खाटू धाम की जैसे प्रतीत हो रही है। श्याम भक्तों के द्वारा किए जा रहे कार्यों की जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। जिन सड़कों से यह शोभायात्रा गुजरी वही श्याम भक्तों के ऊपर फूलों की बारिश करके स्वागत किया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कार्यक्रम के संयोजक संतोष अग्रवाल, अरुण कुमार टिबड़ेवाल, पूजा टिबड़ेवाल, रुचिता जगनानी और नीतू टिबड़ेवाल ने कहा।
अरुण कुमार चुड़वाल गोरखपुर। निशान की शोभा यात्रा है शाम प्रभु की, ये साल में आज उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है, उसके उपलक्ष्य में निकाली जाती है। और शाम को इस उत्सव का सेलिब्रेशन है, इसमें बाहर से ढप वाले भी आए हैं, हमारे कुल देवता हैं, हम लोग आराध्य हैं। ये 100वां साल पूरा होने जा रहा है और शाम को कीर्तन है, उत्सव है, महाप्रसाद है। ये एक लंबे समय से, बहुत लंबे समय से यात्रा निकाली जाती है। ये रास्ता यहाँ से बक्शीपुर होते हुए, रेती होते हुए त्रिदेवधाम जाएगी, जो श्याम मंडल का जहाँ मंदिर प्रस्तावित है, जिस पर भूमि पूजन होना है, शाम को कार्यक्रम वहीं पे है। संतोष अग्रवाल, कार्यक्रम संयोजक। गोरखपुर में खाटू श्याम जी की यात्रा निकाली जा रही है। श्री श्याम मंडल न्यास द्वारा ये 49वां वर्ष है, अगले साल हम लोग का 50वां वर्ष है श्री श्याम मंडल न्यास का, और वहाँ पे हम लोग त्रिदेव धाम मंदिर बना रहे हैं और काफ़ी व्यवस्थाओं के साथ एक धर्मशाला का भी निर्माण किया जाएगा। आज सभी हमारे मारवाड़ी समाज के श्याम भक्त जो खाटू श्याम जी के यहाँ जाते हैं, आज हम लोग कार्तिक पूर्णिमा पे जो बाबा का जन्मदिन होता है उस दिन मनाया जाता है कार्तिक पूर्णिमा तक ये उत्सव चलता है, और इसी उत्सव के क्रम में आज हमारी ये शोभा यात्रा निकल रही है। श्याम भक्त लेकर के चल रहे और पूरा खाटू का नजारा यहाँ पूरा पूरी धरती पर होगा। श्याम भक्तों में बहुत उत्साह है और यह उत्साह शाम को 7 बजे त्रिदेव धाम अतिथि भवन स्थल पर, वहाँ पर कीर्तन होगा, प्रसाद होगा, सवामनी का भोग लगेगा, बाबा को 56 भोग लगाए जाएंगे, और हमारी उम्मीद है कि कम से कम 4 से 5 हजार श्याम भक्त आवेंगे। आज के कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण राजस्थानी ढप है, जो ढप कलाकार जयपुर से आए हैं, और हमारे मुख्य गायक भजन गायक है कलकत्ता से आए राजपारी। यह शोभा यात्रा गीता प्रेस लालडिगी साहबगंज लक्ष्मीपुर आपके रेती चौराहा घंटाघर होते हुए पांडेहाता होते हुए नॉर्मल टैक्सी स्टैंड के पास त्रिदेव धाम अतिथि रुचिता जगनानी।
ये श्याम बाबा की शोभा यात्रा है। इनका शोभा यात्रा सुबह निकलती है जो कि हम लोग त्रिदेव भवन का जहाँ बनेगा वहाँ जमीन पे जाएगी। शाम में 7 बजे से कीर्तन होना है जो कि प्रभु इच्छा जब तक चलेगा चलेगा। दो सिंगर्स आ रहे हैं, बड़े सिंगर्स आ रहे हैं, बहुत बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। इससे बड़ी चीज़ हमारे जीवन में कुछ हो ही नहीं सकती है, भगवान का दर्शन करें, भगवान की शोभा यात्रा में शामिल हो, ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा मतलब हमें लग रहा है कि मतलब ये मौका हमें मिला है, हमारे सौभाग्य की बात है हमारे लिए। पूजा टिपड़ेवाल, ये शोभा यात्रा है हमारे बाबा जी की, हर साल निकलती है और सब खूब बढ़ चढ़ के इसमें पार्ट लेते हैं और हम लोग भी हमेशा ही आते हैं। जय बाबा की। बहुत उत्साह है, बहुत उत्साह है, जो बयान नहीं कर सकते हैं उसकी कोई सीमा ही नहीं है। नाचते गाते झूमते। नीतू टिबरेवाल, बहुत अच्छी बहुत बड़ी शोभा यात्रा निकाली जा रही है और ये हर साल होती है और हर साल ये बढ़ती जा रही है। बहुत ज्यादा उत्साह है। गोरखपुर न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। रामगढ़ ताल के चूल्हा चौका रेस्टोरेंट में हुए मारपीट का सीसीटीवी फुटेज हुआ वायरल। रामगढ़ ताल पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर मुकदमा किया पंजीकृत। घटना में शामिल एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। अवैध निर्माण की शिकायत करने के लिए जीडीए के द्वारा बनाया जा रहा है प्रहरी ऐप। फोटो अपलोड करते ही दर्ज हो जाएगी शिकायत। जीडीए उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर ने कहा ऐप के माध्यम से अवैध निर्माण पर लगेगा लगाम। ग्राम आपदा प्रबंधन एवं जलवायु संरक्षण योजना निर्माण के अंतर्गत जिला आपदा अधिकारी राजेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में एक दिवसीय प्रशिक्षण सकुशल हुआ संपन्न। आपदा से बचाव की दी गई सभी जानकारी। लखनऊ में आयोजित प्रदेश स्तरीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप में गोरखपुर के खिलाड़ियों ने हासिल किया दूसरा रैंक। गोरखपुर पहुंचने पर एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी, एसपी क्राइम इंदु प्रभा सिंह ने मेडल पहनाकर खिलाड़ियों का किया उत्साहवर्धन। नवंबर को होने वाले कार्तिक पूर्णिमा स्नान की पुलिस प्रशासन एवं नगर निगम की तैयारी हुई पूरी। एसपी साउथ ने कहा पूर्णिमा स्नान सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस कर्मियों की नहान से एक दिन पहले ही लगा दी गई है ड्यूटी। यातायात माह 2022 के अंतर्गत छात्राओं द्वारा यातायात जागरूकता रैली एवं नुक्कड़ नाटक का किया गया आयोजन। एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने कहा नुक्कड़ नाटक के माध्यम से आम जनमानस को यात्रा करने के दौरान ट्रैफिक नियम का पालन करने का दिया गया संदेश। जनपद में डेंगू पर प्रभावी नियंत्रण लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा किए जा रहे हैं अनेकों प्रयास। सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने दी जानकारी। और श्री श्याम महोत्सव निशान शोभा यात्रा के 49 वर्ष पूरे होने पर 501 निशान के साथ श्री श्याम मंडल न्यास द्वारा निकाली गई श्री खाटू श्याम जी की शोभा यात्रा। कहा खाटू धाम की जैसी प्रतीत हो रही है पूरी गोरखपुर नगरी। अब मुझे दी इजाजत, नमस्कार।